हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छोटे कोशिश। तो मैं हूँ प्रियंका। तो आज की इस ब्लॉग में मैं आपके साथ अपने नाइट रूटीन शेयर करूँगी। तो अरे मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि नाइट रूटीन में भी क्या है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो वीडियो डालना है। तो कुछ थीम ही या कुछ मिलता ही नहीं है तो क्या करूँ। तो डे डाला, अब नाइट डालूँगी। नाइट में भी वही चीज़ बताऊँगी, वही चीज़ करूँगी जो दिन में करती हूँ। लेकिन हाँ, आज नाइट में नाइट का ब्लॉग है, तो आज आपके साथ लिट्टी चोखा की रेसिपी शेयर करूँगी। तो वो देखिए और एंजॉय करिए। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में घंटियों की प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके और मेरी वीडियो को आप मिस ना करें। और मुझे इंस्टाग्राम पर अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर लें, और मुझे एपी पर फ्री अगर फॉलो आपने नहीं किया है तो कर लें। और इधर मैं आ चुकी हूँ किचन में और मेरी दूध गर्म हो रही है, और इधर पूरी बैगन पक चुकी है। और सत्तू के लिए मैंने प्याज, मिर्च और लहसुन और धनिया पत्ता काट लिया, और अदरक मैं नहीं यूज करती इसलिए नहीं काटा है। और टमाटर हम आग में पकाएंगे, इसलिए मेरे वीडियो में आपको ये दिखा नहीं। तो फटाफट से आटा गूंद लेते हैं। तो मैं आटा गूंदने के लिए ड्राम से आटा निकाल रही हूँ, और मैंने आटा में सरसों तेल डाला, कितना रिफाइंड डालते होंगे, आटा को सॉफ्ट करने के लिए, और नमक डाला। तो इसे मैंने मिक्स करके गूंद लिया। अब जो बैगन है उसका मैंने छिलका निकाल लिया। अब मैं सत्तू को मिक्स कर लूँगी। मैंने नमक डाला और मैं फ़ोन से भी बात कर रही थी। इसे मैंने अचार डाला और अचार का ही तेल मैंने सत्तू में मिलाया, और मैं अचार और नींबू दोनों देती हूँ। तो सत्तू में मैं थोड़ा भी पानी नहीं देती हूँ। कितना लोग होता है कि सत्तू को मतलब गीला करने के लिए हल्का पानी दे देते हैं, लेकिन मैं पानी का यूज़ नहीं करती जितना सके। मैं सरसों तेल का ही यूज करती हूँ। तो मैंने सत्तू बन के रेडी है, तो थोड़ा सा लिया और मैं चखूंगी कि कैसा बना है। एकदम परफेक्ट है, नमक भी ठीक है और इसका खट्टापन भी बरकरार है। हमारे यहाँ जो सत्तू बनती है उसमें खट्टापन बहुत जरूरी है, नींबू और अचार दोनों पड़ता है, इसके कारण सत्तू बहुत खट्टी खट्टी लगती है, तो खाने में अच्छी लगती है। ऐसे नहीं तो फीका लगता है, और मुझे भी आदत होती है खाने की इस तरीका से। तो आटे का गोला बनाकर मैं सत्तू भर ले रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। सारा सत्तू का यानी सारा लिट्टी मैं बना लूँगी एक ही साथ। बाबू मेरा सोया हुआ था, जो वो उठ गया था तो रोने लगा, तो मैं इसे बनाते बनाते ही छोड़ के भागी। तब तक मेरे उसके चाचू बाबू को उठा चुके थे गोद में। उठ गया, कोई बात नहीं बेटा, स्माइली लगा देंगे वहाँ। फूफो का डायपर चेंज हो रहा है और मेरा बेड का हालत देख लीजिए। आई रो रो के, तो फिर से आटे का गोला बनाकर सत्तू भरने की प्रोसेस चालू है, और लगभग आधे घंटे तक का ये प्रोसेस चालू रहता है। बनाते रहो, भरते रहो,
और खाने वाला का क्या है, खाते जाओ बनाने वाला को पता चलता है। तो इधर पापा जी और मेरे देवर मिलकर आग को जला चुके थे। अच्छा किधर किधर हम नहीं आता है ना, अंधेरा धुंधला धुंधला। अच्छा पलतू कराए बोल लपलवा। हाँ आप जाके साफ आया बेटा, बिटली कहाँ जाएगा तुम ही आप किधर किधर। मुंह एकदम बच्चा का कैसा हो गया यार। यहाँ में अब घर में जाएगा तो पे बना लीजिएगा लिट्टी। नहीं जी, अरे यहाँ लिट्टी आग में डल चुकी है और सारा लिट्टी मैंने एक ही साथ डल दिया है। अब इसे धीरे धीरे पलटते रहना है। और हम लोग लिट्टी बना रहे हैं और एक तरफ से पंखा होकर जा रहा है क्योंकि जल्दी जल्दी खाना था। और हम लोग कुछ गप कर रहे होंगे अभी याद नहीं है। और लिट्टी को बार बार पलटते रहना पड़ता, नहीं तो थोड़ा भी छोड़ दो तो जल जाती है, इसलिए एक खाते बैठ रहा। और उधर बाबू बैठ के खेल रहा था, उसे ही देख के हम लोग कुछ बोल रहे थे। और मेरी लिट्टी आधी हो चुकी है। ये कपड़ा से मैंने लिट्टी पोंछा और वो घी में डाला हुआ, और ये बगल में घी, और ये मेरा छोटू सा सेफ लिट्टी को टच कर रहा है। तो इन लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं, साथ में पापा भी है, बच्ची मैं। तो मैं अपने हिस्से का कोटा बना रही हूँ, वो बनेगा तो मैं खाऊंगी क्योंकि गर्मा गर्मी तो ठीक लगता है। जैसे से निकलते गया इन लोग को देते गया। और ये रही मेरी प्लेट, बोलते हैं खाने के बाद। और ये इधर बाबू खेल रहा है अपने दादू के पास। तो यहाँ सब अपने अपने ग्लास का दूध ख़त्म कर रहे हैं।
अच्छा दूध पी रही हूँ। तो वीडियो को यही एंड करते हैं, और अभी रात के 9:30 बजे हैं और पापा जी सोने चले गए, बाकी सब अपने अपने रूम में हैं, और मैं दूध फ्रेश करके बाबू को सुलाऊंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।